आईपीएल 2020 के लिए गुरुवार को कोलकाता में ऑक्शन हुआ। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस पर इंडियन प्रीमियर लीग 2020 की नीलामी में जमकर पैसा बरसा। कमिंस के लिए दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच कड़ी टक्कर चली, जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.50 करोड़ में उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। इस ऑक्शन में 62 खिलाड़ी खरीदे गए। इस बार 5 महंगे खिलाड़ियों पर 61 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें पंजाब ने 19.25 करोड़ रुपए खर्च करके 2 खिलाड़ियों को अपने साथ लिया। ग्लेन मैक्सवेल को किंग्स 11 पंजाब ने 10.75 करोड़, क्रिस मॉरिस को आरसीबी ने 10 करोड़, पंजाब ने शेल्डन कॉटलर को 8.5 करोड़, नॉर्थन कुल्टर नाइल को मुंबई इंडियंस ने 8.5 करोड़ और दिल्ली कैपिटल्स ने हेटमायर को 7.75 करोड़ में खरीदा। नीलामी में जहां ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का दबदबा रहा, तो वहीं विंडीज के खिलाड़ी भी पीछे नहीं रहे। अपनी आर्मी सैल्यूट के लिए मशहूर वेस्टइंडीज के शेल्डन कॉटरेल आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के साथ पदार्पण करेंगे। बाएं हाथ के इस गेंदबाज के लिए पंजाब ने नीलामी में 8.50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। शेमरन हेटमायर बीते साल विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी में खेले थे, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। हालांकि दिल्ली ने उनके लिए 7.75 करोड़ रुपए की अंतिम बोली लगाई। उनके लिए राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली में लड़ाई चल रही थी। इस बार के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ियों की बात करें तो ऑलराउंडर वरुण चक्रवर्ती सबसे महंगे साबित हुए हैं। उन्हें केकेआर ने 4 करोड़ में खरीदा है। वहीं 20 लाख के बेस प्राइस वाले यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स ने 2.40 करोड़ में खरीदा। रवि बिश्नोई अभी तक के ऑक्शन में तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। 20 लाख के बेस प्राइस वाले रवि बिश्नोई को पंजाब ने 2 करोड़ में खरीदा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने विराट सिंह को 1.9 करोड़ में और प्रियम गर्ग को 1.9 करोड़ में खरीदा है। नेशन वन से प्रमेश मनोड़ी की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।